यदि आपका कोई भी शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ है कि आप उन जगहों पर भी मौन थे जहां पर अन्याय हो रहा था, जहां पर आपका बोलना जरूरी था। दोस्तों, जहां पर अन्याय हो रहा हो वहां पर अवश्य बोलना चाहिए, झुकना कभी नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मीन राशि के लिए बेहद खास है। एक विशेष विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि के लिए। 2022 साल के अंतिम तीन महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके लिए कैसे रहेंगे? ये तीन महीने ग्रहों का गोचर, ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगा? इन तीन महीने में नेगेटिव पॉजिटिव क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय आपको करने हैं, सभी कुछ बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे कि क्या आपके साथ में होने वाला है, बारीकी से सब कुछ जानेंगे, सभी कुछ, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, करियर, भाग्य, बिजनेस, सब कुछ जानेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए दोस्तों, जब अक्टूबर का महीना शुरू होगा तो मीन राशि से ग्रह गोचर की उपस्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपके फर्स्ट हाउस में है देवगुरु बृहस्पति, तो आपके सेकंड हाउस में विराजमान है राहु देव, आपके एट्थ हाउस में विराजमान है केतु, थर्ड हाउस में है मंगल देव, सेवंथ हाउस में है सूर्य, शुक्र और बुध, और आपके ग्यारहवें घर में है शनिदेव। चलिए अब जानते हैं कि क्या क्या मिलने वाला है, आप भी बारीकी से समझिएगा, जानिएगा कि क्या होने वाला है आपके साथ में इन तीन महीनों में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, शनि और देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं इन तीन महीनों में। 23 अक्टूबर को शनि मार्गी हो जाएंगे और 24 नवंबर को देवगुरु मार्गी हो जाएंगे। अब आपको क्या देने वाले हैं? सबसे पहले दोस्तों, गुरुदेव आपके फर्स्ट हाउस में तीनों महीने गुरु आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे मीन राशि में, और 24 नवंबर को हो जाएंगे मार्गी, और सेवंथ हाउस पंचम भाव और नवम भाव पे गुरु की दृष्टि है। इसका मतलब कि सबसे पहले तो विवाह का योग बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, या इसके साथ कि विवाह होने की बातें आपके घर परिवार में चल सकती हैं, या कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है, या फिर आप थोड़े सीरियस हो सकते हैं विवाह को लेकर। जब गुरु मार्गी हो जाएंगे 24 नवंबर से, तब खासकर उसके साथ ही साथ गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पे भी है, और पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का, प्रेम प्यार का। संतान भाव में गुरु की दृष्टि, मार्गी गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है, क्योंकि गुरु बना रहे हैं हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग। पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि यानी कि फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, संतान प्लानिंग आपके लिए अच्छी रहेगी इन नवंबर से लेके अप्रैल 2023 के बीच में, बहुत अच्छी है। और इसके साथ में अगर आप कोई मैनेजमेंट करना चाहते हैं, कोई पढ़ाई के लेकर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी शिक्षा को आगे ले जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा ये नवंबर से। और कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार रहेगा। मंगल देव आपके कहाँ पर हैं? थर्ड हाउस में हैं। मंगल आपके थर्ड हाउस में है और 16 अक्टूबर को फोर्थ हाउस में चले जाएंगे, और मंगल आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। दोस्तों, भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन कब से? 16 अक्टूबर के बाद, जब मंगल आपके केंद्र में आ जाएंगे। तो 16 अक्टूबर से पहले आपके थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है? तो 16 अक्टूबर के बाद आपका भाग्य अच्छा है, इसका मतलब कि कोई भी काम करना चाहते हैं जिसमें भाग्य की जरूरत होती है, वैसे तो सब में ही होती है, तो 16 अक्टूबर के बाद आपका भाग्य साथ देगा किसी भी चीज़ में। बिजनेस में भी आपका भाग्य तेजी से चलेगा, अगर कोई नौकरी सर्च कर रहे हैं या कहीं पे ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, कोई कहीं कुछ अटेंड करना चाहते हैं, कोई ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, कुछ भी बड़ा करने की सोच रहे हैं, तो 16 अक्टूबर के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल केंद्र में होंगे 16 अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर तक, क्योंकि वापस से मंगल वक्री होकर फिर थर्ड हाउस में आएंगे। यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर का टाइम आपके भाग्य को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा रहा है। वहीं सूर्य, शुक्र, बुध आपके सेवंथ हाउस में हैं। बुध ग्रह सेवंथ हाउस के मालिक हैं, अष्टम भाव में जाएंगे 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर के बाद आपके वैवाहिक जीवन में, जो मैरिड हैं, वैवाहिक जीवन में कुछ आर्ग्यूमेंट्स, बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग, बिना वजह की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखे जा सकते हैं, या फिर आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके हेल्थ पे, उनके स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखकर चलना ही होगा, क्योंकि सेवंथ हाउस होता है केंद्र और अष्टम भाव होता है त्रिक भाव, तो अष्टम भाव में जाना बुध का 26 अक्टूबर के बाद सही नहीं है।
ठीक है, तो ये जरूर आपको ध्यान देना होगा कब से कब तक, खासकर आपका 26 अक्टूबर से लेकर पूरे नवंबर के महीने में, खासकर मिड नवंबर तक आपके जो लाइफ पार्टनर हैं ध्यान देना होगा उनके स्वास्थ्य पे। इसी के साथ साथ शुक्र जाएंगे सेवंथ हाउस में 18 अक्टूबर को, जो बनाएंगे विपरीत राजयोग। कोई काम पेंडिंग में था आपका, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहा था, इलीगल चीज़ों में आपके साथ में प्रॉब्लम आ रही थी, इलीगल चीज़ें चल रही थी, तो 18 अक्टूबर के बाद विपरीत परिस्थितियों से भी निकलेंगे मीन राशि वाले व्यक्ति, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों बनाएंगे विपरीत राजयोग। तो ये काफ़ी अच्छा है आपका, लेकिन बस अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा आपको। ये कब से कब तक, ये 20 दिन 18 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में थोड़ा स्वास्थ्य पर, खासकर किन चीज़ों में, कफ, कोल्ड, फीवर, वायरल, ये थोड़ा आपके साथ में देखा जा सकता है, और खासकर थोड़ा हेडक भी, ये आपको विशेष थोड़ा ध्यान रखना है खाने पीने पे। बाकी ऐसा कोई मेजर इश्यूज मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तीनों महीने। और इसी के साथ में राहुदेव तीनों महीने आपके सेकेंड हाउस में विराजमान रहेंगे। सेकेंड हाउस में राहु मेष राशि में, कभी कभी वाणी पर कंट्रोल नहीं होगा, कभी कभी विदाउट एनी रीज़न आपके वर्किंग प्लेस में, आपके फैमिली में आर्ग्यूमेंट देखे जा सकते हैं, और दांतों से संबंधित कुछ चिंता आपको रहेगी या परेशानी देखी जा सकती है। झूठ बोलने से बचें, और हाँ, किसी पर भी अंधविश्वास, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, किसी को भी पैसे उधार जल्दी से आप ना दें, नहीं तो परेशानी आपको ही उठानी पड़ सकती है। और वहीं शनिदेव आपके 11वें घर में मार्गी हो रहे हैं 23 अक्टूबर से, ये बहुत अच्छा है। अपने घर में शनिदेव फाइनेंस को बहुत मजबूत बनाएंगे, प्रमोशंस होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी 23 अक्टूबर के बाद। शनि अपने घर में मार्गी, 11th हाउस होता है प्रॉफिट्स का, इनकम का, लाभ का, तो लाभ बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, या फिर आप कहीं अच्छा जगह, आपको चेंज आ सकता है नौकरी में, अगर खुद का व्यापार करते हैं, खासकर लोहे से रिलेटेड, लेदर, कोयला, ऑयल एंड गैस, टेक्निकल, कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड हार्डवेयर, तो आपको ग्रोथ मिलने की संभावनाएँ बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। और 11वें घर में शनिदेव बड़ों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा, बड़ों की बात को मानना भी चाहिए आपको। और 11वें घर में शनिदेव मार्गी, इसका मतलब कि जिन व्यक्तियों के पास में नौकरी नहीं है मीन राशि वाले व्यक्ति, तो 23 अक्टूबर से लगा के पूरे दिसंबर तक नौकरी मिलने की संभावनाएं 90% दिखाई दे रही हैं। कमेंट सिर्फ आपको ही करना है। और दिसंबर के महीने में बुध, शुक्र और सूर्य आपके 10th हाउस दसम भाव में ट्रांजिट कर रहे होंगे धनु राशि में। 3 तारीख को बुध, 5 दिसंबर को शुक्र और 16 दिसंबर को सूर्य। जब दसम भाव में सारे ग्रह जाएंगे तो काम का थोड़ा लोड रहेगा, लेकिन नेम और फेम भी अच्छा रहेगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, अचीवमेंट मिलने की संभावनाएं हैं। सूर्य आपके 10th हाउस में पार्टिसिपेट में आगे रहेंगे, अपने आप को आगे लेके जाएंगे हर काम में, इंटरेस्ट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, और आत्मविश्वास बहुत अच्छा हो जाएगा, लेजीनेस दूर होगा दिसंबर के महीने में, तो खैर काफ़ी अच्छा है क्योंकि गुरु भी मार्गी हो जाएंगे। क्या उपाय करने चाहिए मीन राशि को, सबसे पहले गुरु का बीज मंत्र करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः 108 बार, राशि के मालिक बृहस्पति हैं। इसी के साथ में आपको चंद्रमा का बीज मंत्र करना चाहिए, या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए 108 बार रोजाना। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।